Welcome, everybody. My name is Mahalij, and you're watching me on Facebook, Instagram, and you're watching me on YouTube, on all the platforms. Assalamu alaikum, namaste, sans shikal, jahan bhi hain aap, agar aapki taraf dupahar hai, sham hai, jo bhi hai. Welcome to my page. Mera naam hai Mahalij Sarkari, aur aaj ke jo hamare guest hain, main thoda sa unke liye introduction dena chahti hoon, ke, जब मेरी इनसे पहली दफा मुलाकात हुई थी तो उस वक्त मैंने मिस पाकिस्तान वर्ल्ड जीता था और मुझे नादिया खान शो में बुलाया गया था जहाँ पे मेरी काफी इंसल्ट करने की कोशिश की गई थी। तो जब मैं इनके शो में गई थी मैं थोड़ा डर गई थी कि ओ माय गॉड क्या होगा क्या नहीं होगा, यू नो किस तरह से मुझे ट्रीट करेंगे। सो मगर जब मैंने इनके शो पे गई हूँ तो उन्होंने मुझे इतना इज्जत दी उन्होंने और इतनी अच्छी तरीके से मेरा इंटरव्यू किया। आई वॉज सो हैप्पी। वहां पर मैं छोटे कपड़े भी पहन के गई थी, आई वोर ड्रेस। मगर अबाउट हिम मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो पर्सनैलिटी है जिनके बारे जिनसे आज हम बात करेंगे, ये पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनैलिटी है, इन्होंने वो टैबू ब्रेक किया था पाकिस्तान में जो कि होता है एज अ क्रॉस ड्रेसर, और फिर इतने बड़े शो पर आकर अपना शो करना, लाइक ऑन अ टीवी चैनल इन्होंने अपना शो वहां पर चलाया। सो इट वॉज अ बिग थिंग यू नो इन पाकिस्तान। और फिर उसके बाद इन्होंने जाकर ये बिग बॉस में भी गए, बिग बॉस में भी इन्होंने कम्पीट किया। दैट वॉज अ बिग थिंग फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तानी जो हैं वो बिग बॉस में जाएं और इस तरीके से पार्टिसिपेट करें। आई एम गुड, आई एम गुड। क्या हाल है आप सब लोगों का? आई एम सो हैप्पी टू सी कि इतने सारे लोग यहाँ पर हमको देख रहे हैं इस वक्त। दैट इज ऑसम। फेसबुक पर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, जरा जल्दी जल्दी से शेयर करो। आप लोग दूसरी चीजें बड़ी शेयर करते हो, आज का शो अच्छा होने वाला है, सो मेक श्योर कि आप लोग शेयर कर रहे हो। ओके अरे भैया लानते बाद में भेजना, लानते बाद में भेजना, शो तो स्टार्ट करने दो पहले। लानते पहले आ गई यहाँ पर। एक बात बताओ, तुम लोग मेरे इंतजार में बैठे होते हो कि ये आए तो हम इसके ऊपर लानते जाके भेजें। लाइक सीरियसली व्हाई व्हाई मुझसे इतनी ऑब्सेशन क्यों है आपको? व्हाई व्हाई आर यू गाइस सो ऑब्सेस्ड विद मी? इतनी ऑब्सेशन ना अच्छी नहीं होती है, फिर मुझसे प्यार हो जाएगा आप लोगों को। Okay, Ali, if you can hear me, join us now. Technical difficulties hoti rehti hai, you know. How are you, dear, my good friend? I am good, I'm good. I'm just hungry. I'm just very hungry. I need some food. I need some food. Maine kuch khaya nahi hai, so, you know, utke main aise hi aa jati hu bagair nashte ke. Answer my question, please. Mujhe zyada comments nahi dikh rahe hain, jo dikh rahe hain unki jawab de rahi hoon. थैंक यू 1990। आज से ही भैया जी आप लोगों के कॉमेंट्स मैंने पढ़े ही नहीं है। जिनकी गांड में तकलीफ हो रही है वो अपनी गांड पे मरहम लगा लें शो स्टार्ट होने से पहले, ओके? और अगर आपकी तकलीफ नहीं खत्म होती है तो मैं क्या करूं, जाके मम्मी को दिखाओ डॉक्टर को दिखाओ, मेरे पास क्यों आते हो अपनी गांड की तकलीफें देखकर? वैसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझको सजेस्ट करो, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टू गेस्ट्स, दो और गेस्ट्स हैं जिनको मैंने लाइन अप किया हुआ है इसी तरह से बुलाने के लिए, उनसे बातें वगैरह करेंगे। तो मुझे आप एक नाम बताओ, मैं इस शो का नाम क्या रखा जाए, क्योंकि अब तो मैं हमेशा लाइक यू नो नाउ वी हैव अ प्रॉपर शो गोइंग जिसपे गेस्ट आते हैं, यू नो उसपे बातें होती हैं। तो एक नाम होना चाहिए ना, और एक तगड़ा सा नाम होना चाहिए, अच्छा सा बोल्ड नाम, ऐसे ये नहीं कॉफी विद महलीज ये वो। तो प्लीज मुझको सजेशन अपनी बताइए कि क्या नाम होना चाहिए, एंड देन यू नो ताकि मैं अच्छे तरीके से करें फिर उसको, शो को जरा बेहतर बनाए। होपफुली आप लोगों को मजा आएगा। मेरे पास बहुत मजे मजे के क्वेश्चंस हैं जो मैं अली से पूछूंगी, और आई होप कि आप सब लोगों को भी अच्छे लगे, यू नो यू गाइज विल एंजॉय इट। वैसे फेसबुक पे कैप्शंस भी आ रही हैं, तो सब लोग कभी ओनली फैंस वाला जलवा यहाँ भी दिखा दो। क्यों दिखा दूँ फ्री में? शुभ जी फ्री में हूँ क्या मैं? हाँ हाँ, मेरी फेसबुक मोनेटाइज नहीं, मेरे यूट्यूब पे मेरा कोई पैसा नहीं, तो मैं क्या खैराती प्रोग्राम चैरिटी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर क्या? नहीं, आप पैसे खर्च कीजिए थोड़े से और जाके देख लीजिए, मना आपको किसी ने नहीं किया है, ठीक है? जेब हल्की करो ना, चीपड़े मत बना करो। हर चीज में आपको फ्री चाहिए, हर चीज फ्री दे दो, बस ये भी दे दो वो भी दे दो, सब फ्री में दे दो हमको। हाय, ओके, इज दिस बेटर? ओके नाउ Yeah, I don't hear myself back. Oh, okay. My hair is messed up. I haven't even brushed my hair, man. That's okay. So bad. A wild hair look. Main bhi aise hi aa jati hu kabhi kabhi. Look, kehte hain baal. Hai na? Kabhi baat nahi, kabhi baat nahi.
Before I start, I want to be, yeah. Thank you so much for giving me your time. Like, it's been over 10 years that I've met you. I know, Malich, but kitne mazey ki baat hai, the last time we met, you were a guest on my show. I know. And were you wearing an electric blue dress when you came in on Begum? Yeah, I still remember you were you look stunning. Huh? YouTube par hai Noman ke saath tha. Noman Javed nahi hai. He was there with us. Noman Javed, ha. So, kya haal hai? Kahan par pehle aap hi bataiye ki aap kahan par hain? You know, where are you residing right now? Okay, so I came to New York yesterday, last evening actually. Or I live in Washington, D.C. It's been over a year since I moved to the United States of America. So Meera was in town and Meera put me in contact with this production company here in New York. And I'm working on a script for her next film. So I have come to write the script and I arrived here last night. I mean, I'll show you the apartment. It's pretty messy, but you know, not too bad. Well, for a New York apartment, that's pretty good. You know, New York mein to yani aapko jagah mil jaye, yahi badi baat hai. It's very na, ha. Isliye bilkul complain nahi karna chahiye, Allah ka shukr ada karna chahiye. Lekin Mali, before I start anything else, I met this amazing guy, Rajiv. I call him Raisa, but Rajiv bhai. Last night, you know, and he was telling me about Ardh Narishwar. So Lord Shiv, Shiv Bhagwan, unka ek roop hai, Ardh Narishwar, where he's like half man and half woman. So he's got the powers, the strength of, you know, of masculine strength, but he's got the sensitivity of a woman. तो कल रात को हमारी काफी लंबी इस पे गुफ्तगू हुई और मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि शायद मैं भी एक रीइंकार्नेशन हूँ शिव भगवान की और मैं भी आधा मर्द और आधी औरत हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. That's what it matters ना. देखो इंसान को ना खुश होना चाहिए. चलो हम अपने सवालात मैं आपसे थोड़े बहुत करने चाहती हूँ. देखो आप एकदम से यू नो आई वॉज लुकिंग मैं सोच रही थी मैंने कहा वेयर इज ही तो फिर मैंने आपको ढूंढा एंड देन आई वाज सो ग्लैड दैट आई फाउंड यू. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं. आप ये बताइए कि वेयर वर यू बोर्न. वेयर वाज अली सलीम बोर्न. अली सलीम वाज बोर्न एट कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल दैट्स CMH इन रावलपिंडी. अच्छा ओके. सो यू बिलोंग टू एन आर्मी फैमिली. यस आई बिलोंग टू एन आर्मी फैमिली. माय father was in the army, my grandfather was in the army, my mamu was in the army, my khalu was in the army. Wow. So yeah, a lot of army happening in my life. So then ye bataiye ki aapko kis cheez ne influence ki jo aapka dusra jo kehte hai na ek roop hai Begum Nawaz roop ki rani main choron ka raja. Yeah, what was the influence behind it? Influence behind बेगम नवाजिश. बेगम नवाजिश अली. हाँ, किसी को देखकर आपको आइडिया आया या ये बचपन से ही आपको शौक था? हाउ डिड इट कम इनटू लाइफ? ओके, सो द इजीएस्ट आंसर टू दैट इज दैट एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, आई मीन आई थिंक व्हेन आई वाज मे बी 5 years old or whatever, I loved going stealing my mom's dupattas and making saris out of them, wearing trying her makeup on. I'll start with this. Okay, so I love my mom and I always wanted to be like her. Okay. So she was my first major influence, my first role model, my first idol, my first whatever you want to call her. And then growing up, you know, I had so many feminine influences in my life. I mean, starting from Nazia Hassan to, you know, Benazir Bhutto, to Sri Devi, to Madame Noor Jahan, to Abda Parveen, to Margaret Thatcher, to, you know, Indira Gandhi, to, I mean, the list is never ending. And I love women. And I think that women are a far superior, you know, creation than men. Women are executive class and men are working class. मर्दों का काम है औरतों की खिदमत करना. और मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे मेरे अंदर भी एक औरत है महालीज.
अगर मेरे अंदर झांक के देखोगी तो तुम्हें ममता के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा। आई लव इट, लव इट. तो फिर ये जो आइडिया आपका आया बेगम नवाज अली, व्हेन डिड दैट स्टार्ट, के यू स्टार्टेड क्रॉस ड्रेसिंग? हाउ डिड यू, कि पाकिस्तान में तो और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट? नहीं, देखो मालिक, सो बेसिकली एज आई टुक बेनजीर नेम, आई यूज टू ओके, स्टोरी इस तरह से है कि मैं स्कूल में था और हमारे स्कूल में इलेक्शन हो रहे थे और मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहा था। और जब मैं अपनी स्पीच, जो हमारे पूरे स्टूडेंट बॉडी के सामने स्पीच करनी थी फाइनल डे ऑफ वोटिंग, तो मैं स्पीच करने के लिए जब खड़ा हुआ और मैंने स्पीच शुरू की, तो 2 मिनट तो पिन ड्रॉप साइलेंस थी, और 2 मिनट के बाद पूरे स्टूडेंट बॉडी हंसने शुरू हुए और सबने नारे लगाने शुरू किए, अली भुट्टो। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट आई वाज साउंडिंग जस्ट लाइक बेनजीर भुट्टो, मे बी बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच हर सो मच एंड आई वाज सो इन ऑ ऑफ हर। तो मुझे अंदाजा हुआ कि यू नो, एंड देन वो मेरी एक एक्ट जो है वो हिट हो गई। और फिर मैं जहां जाऊं, जिसके घर जाऊं, मुझे सब बोले बेनजीर बन जाओ, तो मैं बेनजीर बन जाया करती थी। और फिर मुझे जेबा बख्तियार, जो हमारी पाकिस्तान की एक्ट्रेस है, मेरी दोस्त थी, उन्होंने मुझे इमरान असलम साहब से मिलवाया, जो प्रेसिडेंट हैं जंग और जियो नेटवर्क के। और उन्होंने एक ड्रामा लिखा जिसका नाम था आट या आटा, और मेरी उम्र थी 19 साल की। और उसके अंदर जो मेरी ओपनिंग लाइन थी वो यूं थी कि हमें टीवी को हमेशा अपना दूसरा घर समझे हैं, आजकल चांस कम ही मिलते हैं, पर टैलेंट को कौन रोक सकते हैं, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स में गंदे गंदे रिव्यूज क्यों ना छापते रहे, चाहे मीडिया ट्रायल क्यों ना होते रहे, आपकी बहन टीवी पे आऊंगी और जरूर आऊंगी, क्योंकि हम कभी नहीं लूजेंगे, हम विनेंगे विनेंगे विनेंगे। तो वहां से कहानी का आगाज हुआ। और फिर जियो, जब टेलीविजन चैनल जब इलेक्शन 2002 में फॉर्मली लॉन्च हुआ, तो उनका एक प्रोग्राम था हम सब उम्मीद से हैं, और मुझे कहा गया कि आप बेनजीर बन जाइए, तो फिर मैं बेनजीर बन गई। और फिर मैं हर एक रंग का शलवार कमीज और सर पे सफेद दुपट्टा ओढ़ कर और लाल लिपस्टिक लगाकर टीवी की स्क्रीनों पर बैठने लगी। फिर मैं जब लाहौर गई तो मुझे वहां पे डॉक्टर उमर आदिल मिले, और डॉक्टर उमर आदिल मुझे मिलते साथ कहने लगे, डॉक्टर उमर आदिल एक बड़ी मारूफ शख्सियत हैं लाहौर के, ही इज ऑल्सो फिल्म हिस्टोरियन, ही इज रिटन बुक्स अबाउट पाकिस्तानी, आई मीन ही इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन पाकिस्तानी सिनेमा। और वो मैडम नूर जहां के पर्सनल फिजिशियन भी थे, ही अच्छा, इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। उन्होंने मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि अली, यू नो आई सी यू एंड आई सी ग्रेट टैलेंट इन यू, एंड आई थिंक दैट यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ वेयरिंग द ग्रीन शलवार कमीज एंड द वाइट दुपट्टा। ही सेड You are limiting yourself just by being by Benazir. He said that I see a diva in you. I see a Madam Noor Jahan in you. You should be in saris. You should have. He said you should. You can redefine glamour and beauty. And you know his words caught my fancy. और मुझे पीछी बातें लगी। और वहां बैठे बैठे एक अजनबी सी शाम में बेगम नवाज़ अली का जन्म हुआ, कॉन्सेप्ट बना। अच्छा. मैं चली गई वापस कराची, जाकर मैंने कॉन्सेप्ट लिखा इस शो का, लेट नाइट शो विद बेगम नवाज अली। तब मैं जियो में मुलाजिम था। मुलाजिम इस तरह से था कि मैं उनके स्क्रिप्ट हैंडल किया करता था, जो भी स्क्रिप्ट आता था मेरा जॉब ये था टू रीड द स्क्रिप्ट एंड अप्रूव इट और डिसअप्रूव इट। तो लिखने का शौक मुझे बचपन से था, और उससे पहले मैं ताहिर खान साहब, इंटरफ्लो की कंपनी थी बीएमएन प्रोडक्शंस, उनके साथ मैं स्क्रिप्ट्स लिखा करता था पीटीवी वर्ल्ड के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के, जिसमें एक म्यूजिक प्रोग्राम होता था जिसको नादिया हुसैन होस्ट करती थी। एक्चुअली नादिया स्टार्टेड हर टेलीविजन करियर विद मी, अच्छा. उसका नाम था हाई नोट्स। और फिर एक प्रोग्राम था रिवाज, विच वॉज लाइक अ मैगजीन शो। फिर हमारे हुआ करते थे ईद शोज, बसंत शोज, वैलेंटाइन शोज, तो सारों के स्क्रिप्ट आपकी ये नाचीज सी शख्सियत ही लिखा करती थी। मुझे लफ्जों से खेलने का बहुत शौक था, और मुझे लगता था, और मैं हमेशा ये कहता था कि लफ्ज जो होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ताकत होती है। इट्स हाउ यू प्रेजेंट योर थॉट्स, इट इज द वर्ड्स दैट यू चूज, जिससे आप या तो लोगों के दिल में उतर सकते हैं या लोगों की नजरों से उतर सकते हैं। तो हाँ,
मेरी कोशिश ये होती थी कि हम लोगों के दिलों में उतरे, लोगों की आंखों, लोगों की नजरों से ना उतरे, लोगों की नजरों से में ना गिरे। तो बस करते करते फिर हमने टेलीफिल्म लिखे, ड्रामे लिखे, तो और एक लंबा सफर है मालिश, बहुत लंबा सफर है। आपको अप्रोच किस तरह से किया गया, क्योंकि एक इस तरीके का शो उस टाइम पे करना, इट वाज अ बिग थिंग, इवन अप्रोच इस तरह किया गया कि एक हमारे दोस्त हुआ करते थे, जोर थे पर है, नदीम बेग साहब, जिन्होंने जवानी फिर नहीं आनी और पंजाब नहीं जाऊंगी जैसी लाजवाब, और अभी वो जो ड्रामा चला मेरे पास तुम हो जैसे बेमिसाल ड्रामे बनाए, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो अच्छा वो बन गए, आज टीवी नया नया खुला था और वो बन गए थे उसके हेड ऑफ डायरेक्टर एंटरटेनमेंट। और नदीम की, चूंकि ये जो उमर आदिल साहब, डॉक्टर उमर आदिल के साथ जो मीटिंग हुई थी, और जहां पर बेगम नवाज चली का ख्याल और कॉन्सेप्ट यू नो व्हेन वाज क्रिएटेड, इट हैपेंड एट नदीम्स हाउस, एंड नदीम कॉल्ड मी वन डे आउट ऑफ द ब्लू, एंड नदीम सेड टू मी दैट डू यू स्टिल हैव दैट कॉन्सेप्ट, आई सेड यस नदीम, इट्स इन माय ईमेल, इट्स इन माय कंप्यूटर, ही सेड कैन यू प्लीज ईमेल मी द कॉन्सेप्ट, आई emailed it to him. Next day, Nadeem called me and he said that जो owner हैं आज टीवी के, the owners want to meet you. Can you come in for a meeting? I said sure. I went to meet them and the next thing they told me was, I was working at Jio TV that time. The next thing they told me was, they said we want to do this show and you need to resign from Jio. Give them the 1 month notice so we can start, you know, executing this. That must have been so और exciting for you. it was very exciting for me. और मैं महलीज ना, मैं आपको बताऊं कि मैं एक चीज में बहुत, मेरा अकीदा भी है और फेथ भी है। एक तो अल्लाह मियाँ की जात में तो है ही, अब चाहे आप उनको ओम बोले, अल्लाह बोले, गॉड बोले, किसी नाम से पुकारें, लेकिन जो एक ऊपर वाला है, जो यू नो द यूनिवर्सल स्पिरिट है, जो हम सबका मालिक है, जो हम सबका खालिक है, मेरा उस पर अकीदा। और मैं समझता हूं कि जब अल्लाह मियाँ कोई चीज करवा किसी इंसान से करवाना चाहते हैं तो वो you know everything sort of comes together and things just happen, right? तो वो खुद ब खुद ही चीजें हो गई, और वो मेरी ख्वाहिश भी थी, मेरा शौक भी था, और वो हो गया। और फिर सबसे मजे की बात ये हुई मालीज कि जब मेरा पहला प्रोग्राम ऑन एयर गया तो मेरे कई दोस्तों ने, और बहुत करीबी दोस्तों ने, और जो बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता इंडस्ट्री के, मीडिया इंडस्ट्री के, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि अली, हैव यू लॉस्ट इट कंप्लीटली, Have you forgotten that you live in the Islamic Republic of Pakistan? तुम्हें लोग घर से नहीं निकलने देंगे, लोग तुम पर आवाजें कसेंगे, ये ना करो अली, ये ना करो। तो जब मुझे लोगों ने कहा ना करो, तो मैंने कहा हम तो और करना है। That's the way I've been since a kid. I've always been rebellious. I've always liked to challenge the status quo. और लोगों की जो परसेप्शन है ना कि जी आप ये, क्योंकि आप लड़की है ना तो आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकती, आप लड़के हैं ना तो आप ये नहीं कर सकते, हु आर यू टू टेल मी कि मैं क्या कर सकता हूं या आप क्या कर सकती हैं। एक लिमिटेशन हमें अपने, हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए। मैं बिलीव करता हूं कि हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, खाजा सरा हो, स्ट्रेट हो, गे हो, बायसेक्सुअल हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा हो, हर इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने का हक होना चाहिए, और हर आदमी ने अपनी कब्र में जाना है, और हर आदमी ने अल्लाह को जवाब देना है। और ये जो अल्लाह के बैट बन जाते हैं ना, एलचीज, ये जो क्या कहते हैं उनको, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, मुहाफिज महाफिज बन जाते हैं, जो हम पर फतवे लगाते हैं, और जो हमें जज करते हैं, और हमारे गद्दार होने का, जहन्नमी होने का, दोजखी होने का, काफिर होने का फैसला करते हैं, इन अच्छा लोगों को मैं कहना चाहता हूं। मुझको आप ये बताइए, तो अभी उस पे हम आते हैं, क्योंकि उस पे तो बहुत लंबी, मैं भी यू नो वी आर इन द सेम बोट, उस चीज पे हम दोनों एक ही किश्ती में सवार हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि हाउ डिड यू एंडेड अप ऑन बिग बॉस, क्योंकि दैट वाज अ बिग थिंग कि आप और सिर्फ वीना मलिक वहां पर गई थी। मालीच, मैं इससे पहले, बिग बॉस से पहले मेरा एंडमॉल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। दे अप्रोच मी, एक्चुअली आई थिंक यूसुफ अंकल, यूसुफ सलाउद्दीन, यूसुफ सली वाज ही काइंड ऑफ प्लेड अ पिवोटल रोल इन इट। उन्होंने मेरा तारुफ करवाया था एंडमॉल इंडिया से,
और मेरा एक शो चलता था इंडिया में बिगम के नाम से, 9X चैनल पे, ये बिग बॉस से पहले की बात है। तो मैं वहां पर कोई 52 प्रोग्राम्स किए मैंने इंडिया में विद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। आई ऑल्सो इंटरव्यूड लालू प्रसाद यादव जी एट द रेलवे भवन इन न्यू दिल्ली ड्रेस्ड एज बेगम नवाजिश। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। और उसके बाद फिर मुझे एंडमॉल से फोन आया कि हम बिग बॉस कर रहे हैं और हम चाहते हैं, जब सीजन 3 था जिसमें अमिताभ बच्चन थे होस्ट, तो मुझे पहले उसके लिए फोन आया था। उस वक्त हालात खराब थे इंडिया पाकिस्तान के, मुझे वीजा नहीं मिला टाइम पर, मैं जा नहीं सका। फिर मुझे फोन आया सलमान खान वाले सीजन के लिए, 4 के सीजन के लिए, और फिर मैं चला गया। तो मैं माली, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो चीजें आपकी किस्मत में लिखी होती है ना, वो खुद ब खुद होती हैं। मैं आपको यहां पर हल्फन बयान दे रहा हूं मालीज कि मैंने आज तक जिंदगी में, आई हैव नेवर रन आफ्टर एनीथिंग इन माई लाइफ। मैंने किसी चीज को परसू नहीं किया है, मैंने किसी चीज के लिए कोई कनाइविंग या प्लानिंग या कोई, मैंने कोई सोच विचार नहीं की है। मेरी जिंदगी एक मुआजजा है, मेरी जिंदगी एक मुआजजा है। मैं जब छोटा था, जब मैं 17 साल का था, मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हुई थी और मैंने 17 दफा खुदकुशी करने की कोशिश की थी। मैं गे था, मैं बचपन में आई वॉज मोलेस्टेड, सेक्सुअली मोलेस्टेड एज ए चाइल्ड। आई हैड अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज, आई वॉज क्लिनिकली डिप्रेस्ड, आई वॉज एक्चुअली लॉक्ड अप इन अ साइकियाट्रिक वार्ड विद माई हैंड्स एंड लेग्स चेन टू अ बेड। आई वुड वेक अप एंड दे वुड पुट लाइक अ सरेंज इन मी एंड यू नो नॉक मी आउट। आई हैव बीन थ्रू ऑल दैट एंड आई हैड लॉस्ट ऑल होप इन लाइफ। मैं तो मरना चाहता था, लेकिन मेरे अल्लाह ने एक मरते हुए आदमी को मिट्टी से उठाया और मुझे अल्लाह ने, अल्लाह की तरफ से हुआ कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे भी छप गया, मैं टाइम मैगजीन के 200 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट में भी आ गया, मैं दुनिया भर के टेलीविजन चैनल्स में, दुनिया भर में, कभी मुझे राय त्रे बुलाता था इटली, कभी मुझे अल जजीरा बुलाता था दोहा, कभी मुझे बॉम्बे वाले बुलाते थे, कभी मुझे दुबई वाले बुलाते थे, कभी मुझे लंदन वाले बुलाते थे। तो मैंने सोचा कि यार अल्लाह तो है, यकीनन ओम अल्लाह गॉड के ऊपर वाला है। और मैं आपको बताऊं कि ये सब चीजें अल्लाह का तोहफा है, एंड आई बिलीव इन मिरेकल्स। मैं बिलीव करती हूँ कि जब आप सच्चे इंसान होते हो ना और सच से किसी चीज को आप वो करना चाहते हो एंड यू हैव द टैलेंट, यू नो लोग खुल जाते हैं कि यू नो यू आर वेरी टैलेंटेड पर्सन, तो उसके लिए ना सारे दरवाजे खुल जाते हैं चाहे कितने ही लोग अगेंस्ट क्यों ना हो. यू नो सो पीपल ट्राई कि किसी तरह से बंद कर दें, ये कर दें, और आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी नेगेटिविटी भी होगी. अच्छा अब हम आपको, आप हमें ये बताइए कि जब आप बिग बॉस में गए तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि वहां मेरी रूम में भी थी. यू कंटिन्यू, मैं जरा अपना चूल्हा बंद करके आती हूँ. अच्छा ओके, आप वापस आ गए। चूल्हा आप पका क्या रही हैं? यू हैव टू टेल मी व्हाट यू कुकिंग। अवन ऑन किया हुआ था, गर्म कर रही थी कुछ. अच्छा बाय द वे, मैंने ना खाने बनाने सीख लिए, बहुत मजेदार। मैं बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाता हूँ, दाल चावल बहुत अच्छे बनाता हूँ, चिकन कढ़ाई तो खैर सभी बना लेते हैं। जब मैंने बाहर के मुल्कों में रहना पड़ता है ना तो सब कुछ क्या हर कुछ आ जाता है। उस दिन मैंने कीमा दो प्याजा बनाया और वो इतने इतना कोई लाजवाब बना, कीमा दो प्याजा, यू हैव टू ट्राई इट, इट्स रियली गुड। अच्छा बिग बॉस की आप बात कर रहे थे, तो बिग बॉस का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। और मेरी आज भी बिग बॉस के, हमारा अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है बिग बॉस सीजन 4 का, वी आर ऑल इन टच विद ईच अदर। आंचल कुमार बिकेम माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज नाउ मैरिड टू अनुपम मिट्टल, शी इज गॉट अ ब्यूटीफुल डॉटर। आई वेंट एंड विजिटेड देम इन दिल्ली इन डिसम्बर ऑफ 2016, वी एक्चुअली वेंट टू गोवा टूगेदर, वी हैड सच अ फैंटास्टिक टाइम। जहां तक वीना मलिक का ताल्लुक है, मैं तो खैर 3 हफ्ते ही रहा था बिग बॉस के घर में, लेकिन मैंने हमेशा ये बात बोली है और ये सच्ची बात है, तो मुझे बोलनी भी चाहिए कि मुझे रोज रात को नींद नहीं आती थी, तो वीना रात को जब लाइट्स ऑफ हो जाती थी तो वो 4 वक्त की कजा नमाज और इशा की नमाज पढ़कर वो सीधी मेरे बिस्तर पे आती थी और मुझ पे आयतुल कुर्सी और नादे अली पढ़कर फूंकती थी और फिर मैं सोता था। और मेरे लिए वहां पे चूंकि राशन था हर चीज, तो वहां पे, अब हम पाकिस्तानियों को तो गोश्त खाने की आदत है, तो मैं वहां पे वीगन होने का ड्रामा नहीं कर सकता था। बाय द वे, मनोज मनोज तिवारी जी भी थे हमारे साथ, तो वो मजाक की बात है, लेकिन मनोज जी कहते थे कि मुझे कान में कहते थे कि खाते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन वो बेगम समझा कीजिए, ये टीवी पे चल रहा है, मैं जो है ना शाकाहारी हूं टीवी के लिए, खाते तो हम सब कुछ है, वो
बाद में खाते हैं। अच्छा वो अ लॉट ऑफ इंडियन कंटेस्टेंट्स यूज्ड टू प्रिटेंड टू बी शाकाहारी लाइक यू नो वेजिटेरियंस व्हाटएवर नॉट नॉट मीट ईटर्स, लेकिन वीना मेरे लिए रोज दो बोटियां पकाती थी चिकन की, तो वो मैं खाता अच्छा था। और पहले दिन मुझे वीना ने बोला था कि आपने जो है ना, हम बिग बॉस के घर में हैं, यहाँ पे सारे काम खुद करने पड़ते हैं, आपने अपने कपड़े नहीं धोने, आप पाकिस्तानी हैं। मैं इनको बताना चाहती हूँ इंडियंस को कि हम पाकिस्तानी जो लड़कियां होती हैं वो अपने मर्दों को काम नहीं करने देती, मतलब अपने लड़कों को। Are you still in touch with Veena Malik? Do you still talk to her? No, the last time I saw her or spoke to her was at she made this Naat or some inspirational song. I'm forgetting what it was, but उसके लॉन्च पे हम मिले थे that I hosted in Karachi, अच्छा and that's the last time I met her. I haven't seen her, but I do not agree with what she's doing right now, because I thought Veena was really cool initially, but now she's playing in the hands of the establishment. और जिस तरह के वो ट्वीट्स करती हैं और जिस तरह के वो बयान देती हैं, मुझे उनके अंदर बहुत मुनाफ़िकत नजर आती है, और मैं समझता हूँ कि ये गलत है, और मैं समझता हूँ कि इंसान को सच के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं बहुत बदनाम आदमी हूँ मालीच, आपको तो अफसोस होना चाहिए कि आप मुझ जैसे गद्दारे पाकिस्तान का इंटरव्यू कर रही हैं। मुझ पर तो तोहमतें लग चुकी हैं, मुझे तो वो कहते हैं गद्दारे पाकिस्तान। मेरा कसूर ये है, मेरा कसूर मालिच। एजेंट हूँ, मैं इजराइल की एजेंट हूँ, आपको नहीं पता? अच्छा, मेरा कसूर ये है मालीज कि मैंने सिर्फ सवाल ये किया था, और सवाल तो मैं आज फिर आपके शो के तहत भी करूंगा कि जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर पिछले 72-73 जितने भी साल हो गए हैं, जिस तरह जर्नैली माफिया ने पाकिस्तान को लूटा है, हमें सियासतदान बुरे लगते हैं, हम उनको गालियां निकालते हैं, तो सियासतदान नवाज शरीफ ने 5 साल 6 साल 10 साल शायद हुकूमत कर ली होगी, लेकिन नवाज शरीफ ने तो मोटरवे बनाया था, नवाज शरीफ ने तो मेट्रो बनाया था, नवाज शरीफ की 10,000 चीजें मैं आपको गिनवा सकता हूँ, बेनजीर भुट्टो की 10 चीजें मैं आपको गिनवा सकता हूँ। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि जर्नैलों ने क्या बनाया? डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज, फौजी कॉन्फ्लिक्ट, अस्करी बैंक, हर पोस्ट पे हर पोजिशन पे कब्जा कब्जा माफिया ने अपने कब्जे जमा कर मुझे बताया कि व्हाट हैव दे गिवन बैक टू पाकिस्तान। मुझे ये बताएं कि सारे रिटायर्ड जनरल्स जो हैं वो बाहर बाहर मुल्कों में अपने जजीरे क्यों खरीद लेते हैं, अपने बच्चों को बाहर स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं, और ओके वो फिर मुहब्बे वतन। और अगर कोई इन जर्नैलों को ललकारे या इनसे सवाल करे तो उसके ऊपर गदारी का ठप्पा लगा देते हैं। इस पे अभी हम आते हैं, इस टॉपिक पे ही बात करेंगे। पहले मैं आपसे, बिकॉज़ यू सेड कि आप गे हैं, राइट, एंड हैप्पी प्राइड मंथ टू यू, मैं अब जानना थैंक यू लव। हूँ कि एज अ गे पर्सन, यू नो, इन पाकिस्तान इतनी बड़ी चीज है। हालांकि अगर हम मीडिया में देखें तो हमारे कितने डिजाइनर्स गे हैं, मेकअप आर्टिस्ट गे हैं, मगर ओपनली गे नहीं कर सकते हैं आप, यू नो, यू कैन नॉट से इट। और फिर अगर देखा जाए तो जो मौलवी हैं वो मदरसों में भी वही कर रहे हैं, एंड हैविंग सेक्स विद अ मैन यू आर कंसिडर्ड टू बी गे, मगर वो एक्सेप्टेड है। मगर अगर कोई खुला आके कह देता है कि हम गे हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो व्हाट वर द डिफिकल्टीज ग्रोइंग अप जो आपको फेस की, और आप कब आके आपने अपने पेरेंट्स को बताया, आपको बताया कि यू आर एक्चुअली गे? Johnny, I was 14 years old, 14, when I came out to my mom. And I told her that, you know, I had a boyfriend. He's not in this world anymore. He died a few years ago. He was asthmatic. Anyway, I don't want to talk about Salman, but I told my mom when I was 14, she took me to a psychiatrist. She wanted to get me treated for my gay disease. And I spent an hour with the psychiatrist, and he called my mom and he said that your son is very gifted and he's very creative and you should harness his talent. And he said to my mom that if you need therapy to deal with who he is, that I'm always there, but I don't think your son needs any therapy. To my mom's credit, she has always been on my side. Actually, to my dad's credit also, he's always been on my side. My family has always accepted me for the person that I am. I mean, I have had sex with women. So the way I used to describe myself was कि मैं ट्राइसेक्सुअल हूँ। मुझे जेबा बख्तियार ने ये बात बोली थी बाय द वे। She called me one day out of the blue and she said कि अली, I've been thinking so much about you. There are people who are homosexual, there are people who are heterosexual, there are people who are bisexual, but you don't fall into any of these three categories. So I was like, oh, okay. So Zeba, what am I? She goes, you are trisexual. I said, but Zeba, I've never had sex with animals. She goes, no, silly, you're not. Oh, Isn't TR bisexual, you are textual.
ओके एक एनीथिंग दैट सेक्सुअल. सो आई वाज सेकेंड, लाइक इंस्टाग्राम, क्योंकि जरा इंटरनेट जो है वो हो रहा है, तो इंस्टाग्राम वाले लोग प्लीज जल्दी से, अगर आपने देखना है तो यूट्यूब और फेसबुक पे मेरी आ जाओ, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है. ओके गाइस, आई एम गोना टर्न दिस ऑफ फ्रॉम हियर. ओके कंटिन्यू अली. हाँ यार मेरे बाल बहुत बुरे लग रहे हैं. कहाँ है मेरे मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटीफुल यार, यू लुक कहाँ है मेरी डिजाइनर्स, कहाँ है मेरे असिस्टेंट्स, कहाँ है मुझे केएफसी का बर्गर लाके थे, मुझे कोका कोला पिलाए, मैं तो ब्यूटीफुल. टीवी स्क्रीन पे आ ही नहीं सकती. आई एम सो स्पॉइल्ड मालीज, यू नो माई बॉयफ्रेंड टेल्स ओह मी, आई बेट. माई बॉयफ्रेंड माई आई हैव अ बॉयफ्रेंड हु इज लाइक ही वर्क्स, ही इज लोडेड. He's like, okay, I don't want to divulge too much details about him, but वो अपने सारे काम अपने हाथ से करता है. He's Jewish. वो अपने सारे काम अपने हाथ से करता है. वाह और मैं एक स्पॉइल्ड ब्रैट हूँ. और मैं नौ वो 4 घंटे सोता है, मैं 9 घंटे सोती हूँ. और वो मुझे ना परसों हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई और वो मुझे कहने लगा कि तुम जो है यू नेवर गॉट योर हैंड्स डर्टी, यू आर स्पॉइल्ड. यू मुझे कहता है यू सो स्टबर्न, यू ऑलवेज वॉन्ट एवरीथिंग डन योर वे. सच्ची जो बात है ना माली, स्पॉइल्ड तो हम हैं. मेरी भी मम्मी से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो मम्मी भी यही कह रही थी कि सब मेरा कसूर है, मैंने तुम लोगों को बिगाड़ा है. लेकिन ये सच है. लेकिन मुझे इन गोरों की अच्छी बात ये लगती है कि ये अपने काम अपने हाथों से करते हैं. हमारे मुल्क में हमें 7 साल के बच्ची और 8 साल का बच्चा घर में मुलाजिम रखकर उस पर तशद्दुद करने का शौक है. मालीज आई एम सो एंग्री, आई मीन इन अ वे एंड नॉट इन अ वे, एक्चुअली ऑनेस्टली आई एम रियली रियली एंग्री एट पाकिस्तानी. पहले आप ये बताओ, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ ना कि गेस को पाकिस्तान में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि रूमर्स हमने भी सुनी है चंद चीजें, यू नो. मुझे, मैं जब वहां आई थी तो मुझे, यू नो, किसी ने कहा था कि यार ये ऐसा बंदा है, ये तो ड्रिंक करके सी साइड पे चला जाता है, यू नो ही इज देयर. तो आई डिडंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग विद इट, क्योंकि हम भी जाते हैं बीच पे ड्रिंक करके, हम भी ड्रिंक कर रहे होते हैं, हम भी नाच रहे होते हैं, यू नो, इट्स समथिंग पहली नॉर्मल. बात तो ये मालिज, पहली बात तो ये कि दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में क्या होता है, ये उन दोनों का और अल्लाह का मामला है. इस्लाम में साफ साफ कहा गया है कि अपने भाई के घर भी जाते हो तो दरवाजे पे 3 दफा दस्तक दो. अगर आपका सगा भाई भी आपके लिए दरवाजा ना खोले तो चुप करके मुड़ जाओ. किसी के बारे में कयास आरई करना, किसी के घर में तांक झांक करना, किसी के कैरेक्टर पे कीचड़ उछालना यकीनन जस्टिफाइड नहीं है. व्हाट आई डू इन माय पर्सनल लाइफ इज माय ब्लडी बिजनेस, व्हाट यू डू इन योर पर्सनल लाइफ इज योर ब्लडी बिजनेस. लेकिन पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया के इखलाक कैरेक्टर ईमान का ठेका उठा रखा है. डू यू माइंड इफ आई नो स्मोक, नो गो डू यू अहेड. माइंड? तो यानी क्योंकि मैं अभी जानती हूँ, मुझे काफी गे लेस्बियंस हैं, वो लोग एलजीबीटी वाले अप्रोच करते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट कम आउट इन दी ओपन. एक दो ने करा है कि नहीं, मालिक आपने हमको हिम्मत दी, हमने, तो मैंने कहा उसके बाद आपका रिप्लाई क्या हुआ, एटलीस्ट दे आर नॉट इन पाकिस्तान एनी मोर. तो उनको यही, आप वापस मत आना वरना यू नो यू बी डेड. तो ये मैं जो एक बात कर रही हूँ ना, कि एक हिपोक्रेसी चलती है, क्योंकि अगर आप देख लो तो हमारे मीडिया में कितने गेज हैं, डिजाइनर्स हमारे कितने गे हैं, यू नो, मगर वो ओपनली आगे कभी नहीं कहेंगे गे, तो क्योंकि मालिश मसला ये है ना कि हम मुनाफ़कत के मारे हुए लोग हैं. मसला ये है कि आप जो मर्जी करें वो ठीक है, लेकिन जिस दिन आप सच बोल देंगे ना उस दिन आप थ्रेट बन जाते हैं. क्योंकि इनको डर ये लगता है कि कहीं मेरी वजह से ये एक्सपोज ना हो जाए. आई मीन हाउ मेनी स्ट्रेट मैन हैव अप्रोच मी और वॉन्टेड टू हैव सेक्स विद मी? ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, बट इट इज यानी पाकिस्तान में, मगर आप ये कहोगे ना कि एज एज यू वर इन द मीडिया और आप गे भी थे, तो एंड यू सेड, आपने पहले भी एक उसमें कहा था कि गे हैं भी थे. नहीं, नहीं, हम प्राउड गे हैं, तो हम आप, प्राउड गे हैं. हैज एनीबडी, जैसे आपने कहा था कि आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया, और ये मीडिया में तो ये चीज छुपी हुई नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको सेक्सुअली यूज करते हैं लोग, ये हम बोलते नहीं ऐसे, मगर लड़कियां होती हैं यूज. मैं भी जब आई थी, मुझे भी बहुत ऑफर्स आई थी, यू नो, आई एम जस्ट नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन. मगर ऐसा हुआ आपके साथ कि कभी किसी ने जबरदस्ती की हो या इस तरीके की ऑफरें मारी हो? देखो जबरदस्ती तो बचपन में हुई थी और जब हम बहुत छोटे थे,
लेकिन बड़े होने के बाद जबरदस्ती करने की किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे मुंह तोड़ना बहुत अच्छा आता है और मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो जिनमें शायद मेरे जैसी स्ट्रेंथ ना हो। देर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर मोर वल्नरेबल। बात सिर्फ ये है महालीज कि जिस दिन हम जज करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम किसी को अपने से कमतर समझना छोड़ देंगे, और जिस दिन हमारे अंदर हिम्मत पैदा हो जाएगी ना सच को एक्सेप्ट करने की, उस दिन हम शायद बेहतर लोग बन जाएंगे। अभी मसला ये है कि हमारे कौम का अलमिया, पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अपने गरेबान में झांकना नहीं है और दूसरों के ऊपर कीचड़ो छाड़ अपनी। डॉक्टर फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड की ये प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन थ्योरी है कि अपने अंदर की गलाजत दूसरों पर डालकर खुद बरी व जमा हो जाओ और दूसरे को बुरा डिक्लेयर कर दो। तो ये हाँ तो डॉक्टर ये इट्स 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 ये पढ़े अगर लोग थोड़ा। मैं मेरी जिंदगी में ना माली जो सबसे बड़ा नशा है वो ये है कि मैं मुझे ना अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मजा आता है। आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स, आई अच्छा, लाइक लर्निंग अबाउट। कि पाकिस्तान मीडिया से रिलेटेड एक आप अच्छी चीज बताओ जो पाकिस्तान मीडिया में है, और एक ऐसी चीज बताइए जो पाकिस्तानी मीडिया इंप्रूव कर सकता है। नहीं, पाकिस्तान मीडिया में सबसे जो अच्छी चीज ये है कि वो आपसे और आपको अपना चेक लेने के लिए मांगनी पड़ेगी। ये तो एक फैक्ट है कि आप वो समझते हैं कि जो आर्टिस्ट है उसको पैसों की जरूरत नहीं है। आर्टिस्ट जो है ना उसका फन जो है वो फ्री होना चाहिए, फ्री फॉर ऑल। पाकिस्तानी मीडिया एक बहुत एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्री है। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर किसी इंसान की कोई कदर नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान, और ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं, पाकिस्तान की एज अ होल बात है। पाकिस्तान में जितना जितना ये इस्लाम इस्लाम करते हैं, जितना इस्लाम इस्लाम करते हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इस्लाम से बहुत दूर है। इस्लाम की जो बातें इस्लाम ने हमें सिखाई कि एक मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत उसे दे दो, हाँ लेकिन हम नहीं देते। हम लोगों की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, हम लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं, हम लोगों को जलील और रुसवा करते हैं, हम लोगों को बगैर किसी वजह के तंग करते हैं। हम शायद फख्र महसूस करते हैं किसी को नीचा दिखाने में, हम शायद फख्र महसूस करते हैं अपनी न्यूसेंस वैल्यू इस्टेब्लिश करने में। एक काम जो 5 मिनट में होना चाहिए वो काम जो है वो 5 महीनों में होता है। क्यों? क्योंकि उनको, पाकिस्तानियों को शौक है कि उनके दफ्तरों के हम 10 बारी चक्कर लगाएं, चाय पिला देंगे हमें, टी इज फंटास्टिक, चाय जरूर पिलाएंगे, लेकिन भाई मैं आपके पास चाय पीने तो नहीं आ रहा ना। मुझको 1 साल लगा था अपनी पेमेंट जो मैं देसी कुड़िया मैंने किया था, मुझे एआरवाई को फोन कर करके, मैं कनाडा आ गई थी, मैंने कहा भाई मेरे पैसे मुझे कब एयर मिलेंगे, वाई का तो आप नाम ही ना ले। सलमान इकबाल ने मुझे धमकियां दी। सलमान इकबाल ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया 10 लाख रुपए महीने का, सैलरी का। हाँ 1 महीने की सैलरी मुझे मिली, 2 महीने गुजर गए, सैलरी नहीं आई। सलमान इकबाल को फोन किया, सलमान इकबाल कह रहा है मैं अभी पहुंच रहा हूं, आई एम जस्ट अराइविंग इन इस्लामाबाद एंड माय अकाउंटेंट विल कॉल यू एंड ही विल ब्रिंग यू योर चेक टू योर हाउस। चेक नहीं आया। अच्छा, वो 3 4 दिन जब चलता रहा तो क्या कहते हैं, तो मैंने सलमान इकबाल को मैसेज किया और मैंने कहा यू आर अ डिस्गस्टिंग ऑफुल लाइंग ह्यूमन बीइंग। सलमान एक बार मुझे फोन पे कहता है आई एम गोइंग टू गेट यू अरेस्टेड बाय पुलिस। मैंने कहा व्हाट फॉर सलमान, कि यू हैव सेंट मी अ नास्टी मैसेज। आई सेड यू हैव बीन लाइंग टू मी फॉर द लास्ट 3 डेज, 2 months आई हैव बीन वेटिंग फॉर माय सैलरी, यू हैवंट सेंट मी माय मनी एंड नाउ यू आर एक्चुअली थ्रेटनिंग मी दैट यू विल सेंड पुलिस टू अरेस्ट मी। आई सेड प्लीज सेंड देम। आई सेड प्लीज गेट मी अरेस्टेड। मसला सिर्फ ये है कि ये लोगों को आदत है चापलूसियों की, इन लोगों को आदत है बूट पॉलिशियों की, इन लोगों को आदत है झूठी तारीफें सुनने की, इनको माई बाप सर 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 भाई 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 ब्रो 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 ओ यू आर ग्रेट ब्रो, ये करते रहो तो आप ठीक रहोगे। कॉन्सेप्ट है ना कि जिसके पास पावर है वो कुछ भी करवा सकता है, आपको अरेस्ट करवा सकता है झूठ बुलवा के, आपके घर पे अभी जो इंसिडेंट हुआ है उज्मा के साथ, कि उसके घर पे वो लेके पहुंच गए, यानी गुंडा राज से कहते हैं ना, ये गुंडा राज चल रहा है इस तरीके से। मैं आती हूँ, जो औरत मार्च हुई थी, और आई सॉ योर इंटरव्यू ऑन बोल,
तो ये यस औरत मार्च के बारे में क्या कहना चाहोगे, और आप ये मुझे बताएं कि औरतें और बच्चे जो हैं पाकिस्तान में छोटे छोटे, आप क्या समझते हैं? लोग मुझे आर्ग्यू करते हैं कि लोग वहां कहते हैं कि वहां ज्यादा सेफ है कनाडा, और यहाँ यूएस में सेफ नहीं है, यू नो कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं कि हाँ हमारी औरतें बड़ी सेफ है। आप इसके बारे में क्या बोलोगे कि औरतें वहां सेफ हैं या यहाँ सेफ है, या बच्चे जो हैं छोटे? नहीं, मेरे ख्याल में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में स्टेटिस्टिक्स जो है वो बयान करते हैं जिस तरह बच्चों का रेप होता है पाकिस्तान में, और मेरे ख्याल में हर दूसरे दिन हम लोग न्यूज़ में देखते हैं और फेसबुक पे देखते हैं और मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे देखते हैं जिस तरह बच्चों के साथ ज्यादतियां होती हैं। मैं समझता हूँ ये शर्म का मकाम है हर पाकिस्तानी के लिए। मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी को ये सोचना चाहिए कि ये हमारा हमने ये माहौल क्यों क्रिएट किया है, और ये दाढ़ी रखकर और टखनों तक शलवार पहनकर जो हम सुन्नती बनते हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम बड़े महाफिज बनते हैं उनकी नामूज के, मुझे ये बताइए कि आप रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस सुन्नत को आलमीन है। उनपे तो जब कंकर बरसाए गए थे तो उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि मोहम्मद एक दफा बोल तो हम इनको इसके ऊपर धरती उल्टा देंगे, तो उन्होंने उनके लिए दुआ की। उनके ऊपर तो जब औरत कचरा फेंकती थी, रोजाना कचरा फेंकती थी, और एक दिन उसने नहीं फेंका तो उन्होंने पूछा और उनको पता लगा कि वो तो औरत जो है वो बीमार है, तो वो तो उसकी तीमारदारी के लिए चले गए थे उस खातून की। हिंदा ने हजरत हमजा का कलेजा चबा लिया था तो हिंदा को तो उन्होंने माफ कर दिया था। मुझे एक एग्जाम्पल बताइए, मैं सवाल करना चाहता हूं आज आपके आपके इस प्लेटफॉर्म से। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से एक एग्जाम्पल बताइए जहां पर उन्होंने किसी से कोई पर्सनल बदला लिया हो, जहां पर उन्होंने किसी को हर्ट किया हो, और ये उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर लोगों को कत्ल करते हैं, लोगों को पे बहुतान बाजियां करते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, चीजें तोड़ फोड़ करते हैं, और इनके पर्सनल फेल पूरी दुनिया के सामने है, बच्चा बाजी करते हैं मस्जिदों में। आप सोचिए अभी वो जो न्यूज आई कि एक बच्चा इतकाफ में बैठे हुए उसका रेप हुआ, मुझे बताइए ना कि मेरा सर तो फखर से बुलंद हो जाना चाहिए पाकिस्तानी होने की हैसियत से। कितने हम अजीम कौम हैं अभी एक हम जैसे। है जिसका आपने नहीं सुना कि उसने किसी जहाँ काम कर रही थी, तो जी आठ बच्ची काम कर रही थी और उसका रेप हुआ है। दाए। दाए। जी यस आई हर्ड दैट। तो मालिक बात यह है कि ये खोखला नाराबाजी, ये खोखले दलायल, ये खोखले नारे, ये आप जितना मर्जी झूठ बोलते रहे, झूठ बारी बारी बोलने से सच नहीं बनता, झूठ झूठ रहता है और सच सच होता है। अच्छा, अब मैं मसला ये है आपसे जी। पूछती हूँ कि व्हाई डिड यू लीव इंडिया, मुझे आवाज दोबारा व्हाई डिड यू लीव इंडिया, और अब आप आ गए हो, आर यू कमिंग टू यूएस, टू द वेस्ट? आई डोंट एवर वॉन्ट टू गो बैक टू पाकिस्तान एवर। एंड व्हाई डिड यू लीव? आई वॉन्ट टू बी बेरीड हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। I live in Washington, D.C. I come across people of all colors. I come across people of all sexual orientations. I come across people, a diverse spectrum of people. और यहाँ पर हम सब को एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ये फैसला नहीं आज तक हो सका कि वहाबी मुसलमान है या शिया मुसलमान है या अहमदी मुसलमान है या सुन्नी मुसलमान है, तो इनके तो फिके ही नहीं खत्म होते। मगर वो आई एक सी पाकिस्तान एज अ डिवाइडेड सोसाइटी, मुझे आई सी पाकिस्तान एज एन एक्सट्रीमली ओप्रेसिव एंड एक्स अ कंट्री फिल्ड विद इनजस्टिसेस, लाइज एंड हिपोक्रेसी। पाकिस्तान एक झूठी कौम है, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग जब तक अपने गिरेबानों में नहीं झांकेंगे और जब तक पाकिस्तान को एक जिंदा कौम नहीं बनाएंगे, तब तक आपके नारों की कोई वैल्यू नहीं है। Nobody takes you seriously. ये मेरी नजर में मुजायका खेज है। But your life, जो आपने वहां से आप आए हो, like, would you like in danger?
had to move somewhere. Okay, Malij, your voice was cracking up. Can you repeat that question again? Can you join again? Oh, sure. I'm going to leave and come back, okay? It may take about 2 minutes. Okay, no problem. Okay. No problem. Okay. Okay, guys. Okay, guys. काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि यूट्यूब पे कि ये लाइव है कि नहीं. दिस इज लाइव, दिस इज नॉट अ प्रीमियर. सो दिस इज अली, ही इज गोना बी बैक. आई थिंक इट्स एन अमेजिंग शो के यू नो वही बातें जो मैं हमेशा करती हूँ. यू नो लोग आके यहाँ पे लिखते हैं कि ये है वो है. आपके बोलने से, गालियाँ देने से जो सच्चाई है वो छुपती नहीं है. जो सच्चाई है वो दिखती है, रोजाना दिखती है, रोजाना न्यूज में आ रही होती हैं चीजें. सो यू नो एग्जैक्टली, जो डबल स्टैंडर्ड है ना, जो लोग यहाँ पर आके बैठ के गालियां लिखते हैं, उससे बस आप जो है ना कुछ नहीं कर रहे. उसके लिए पाकिस्तान के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो. पाकिस्तान को आप और जो है ना पीछे लेके जा रहे हो, एंड दैट्स ऑल. और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि जब आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो मत देखा करो, मगर मैं तो इनको बहुत अच्छी लगती हूँ. मुझे आके बहुत देखते हैं, जब तो मुझको देखते नहीं है रोजाना, इनका खाना हजम नहीं होता है. कीप इट अप फॉर एक्सप्रेसिंग प्रमोटिंग. Thank you, Reema Khan. Thank you so much. Okay, so we have Ali back. Awaaz cut ke aa rahi hai aapki. Mere khayal se internet ka thoda sa masla ho raha hai, magar we'll figure it out, you know. Abhi TV channel to hai nahi na. Hamara ghar ka internet hai, kya kare. Okay, can you hear me? I can hear you. Can you hear me now? Yeah, perfect. Now, okay. तो मैं ये पूछ रही थी कि आप मीडिया क्यों छोड़ा आपने? क्या आपकी जान को खतरा था पाकिस्तान में? That you moved here? Is that the reason? Yes, yes. मेरी जान को तो खतरा था. मेरे तो तालिबान hit list 8 years in a row. और सबसे बड़ी बात ये थी मालीच, मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि अगर एक टेररिस्ट पकड़ा जाता है और उसके वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करता है पुलिस को, मुझे बताइए कि क्या पुलिस का काम उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करना है? Of course. क्या वो खबरें हर टीवी हर नशरियाते राबते पर न्यूज़पेपर्स की जीनत बननी चाहिए? मेरा नाम उछाला गया. मैंने सवाल किया इनसे. मैंने कहा कि अगर ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है भी, और अगर ये हकीकत है कि मैं एक टेररिस्ट हिट लिस्ट पर हूं, तो आप इसको नशर करके मुझे तो आप मजीद मेरी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. मसला सारा महलीज ये है कि पाकिस्तान एक इरिस्पॉन्सिबल स्टेट है. तो देखिए, और हम लोग इफ यू थिंक अबाउट इट, जिस मुल्क में आप मदरसों में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां पे लाइक यू आर मेकिंग फ्यूचर लाइक पीपल दैट आर टेररिस्ट, यू नो. वही दिमाग में yes. अब हो क्या गया है कि अब इंटरनेट मिल गया है इन लोगों को, तो अब ये वही चीजें जो है ना आकर इंटरनेट पे दिखाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर कि आपको भी मिलता होगा ये अब्यूज. मैं तो 12 साल से देखी हूँ, जब आपके शो में आई थी तब भी मुझे बड़ा अब्यूज मिला था, यू नो. उस वक्त भी मैं अल्लाह अल्लाह करके आई थी मैं पाकिस्तान के. ओ माई गॉड, मुझे भी थ्रेट्स थी, मेरे पे भी फतवे लगे हुए थे उस वक्त भी, मगर मुझे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरी हेल्प की, एंड देन आई वेंट बैक फ्यू मोर टाइम्स. मगर मैं उस वक्त जो है इतना पावरफुली बोलती नहीं थी, यू नो, लाइक फॉर वुमेन, यू नो, फॉर ह्यूमन राइट्स बेसिकली. अब जब भी मैं ह्यूमन राइट्स के भी बारे में बात करूं तो मुझ पे वो आ जाते हैं कि आप इस्लाम के बारे में बुरा कर रही हो, हालांकि मैं रिलीजन लाती ही नहीं बीच में, यू नो. और फिर उस पर आते हैं फतवे. अभी आई एम श्योर कि आपको भी आप पे भी फतवा लग गया होगा, यू नो. नहीं, फतवों से बढ़ के बात ये है कि वहां पे जो ISI के कुत्ते हैं, ISI के कुत्ते चाहते थे, वो समझते थे कि क्योंकि मैं बेगम नवाजिश अली था और मैं टीवी पे मशहूर था और मेरी एक्ट्रेसों से दोस्ती थी, तो वो ISI के कुत्ते ये चाहते थे कि मैं उनकी मुलाकात कर लूं. वो मुझे कहते थे कि आप मुझे महविश हयात से मिलवाएं, आप फलानी को बुलवाएं, आप मारिया वास्ती को बुलाएं, आप फलानी एक्ट्रेस को बुलाएं, आप यू नो. इनकी महफिलों में कोकेने सजती थी, इनकी महफिलों में शराबें सजती थी. तो ये ISI के कुत्ते जो हैं, मैं समझता हूं इन कुत्तों ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. ये झूठे कुत्ते, ISI के कुत्ते, इन कुत्तों ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. इनकी जबानें यहां तक लटकी हुई हैं, इनकी औकात एक बोतल शराब और एक औरत है बेसिकली. तो ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं. अब देखो ना, आपके ये जो उज़्मा की बात आ गई, तो अब उज़्मा खान पे इतना, यानी पूरी हमारी आवाम उसके पीछे लग गई. इवन वकार ज़का कह रहा है कि वो जो है
एक मुजरा करने वाली औरत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? आई मीन मुजरा इज अ कॉमन वकार थिंग, जका एक दो टके का, ड्राइवर वकार जका एक दो टके का आदमी है। आप उसका नाम ना लें, आई डोंट थिंक ही इज इंपॉर्टेंट इनफ फॉर अस टू बी टॉकिंग अबाउट हिम। वो एक दो टके का घटिया आदमी है। मगर आई नो हिम पर्सनली। वो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं जो हमारी जो जनरेशन हैं उनको खराब कर रहे हैं, और जब हम लोग आके कुछ बोलते हैं अपनी आवाम से, मैं ये नहीं कहती कि मुझे जो है सारी गाली, नहीं, आई हैव सो मच सपोर्ट, मुझे इतनी सपोर्ट लोगों से मिलती है, स्पेशली जब मैंने जो वीडियो बनाया था मेरा जिसे मेरी मर्जी पे आई दैट वेंट वायरल, उससे यानी एक मेरा बूस्ट हुआ था मिस पाकिस्तान से, एंड देन एवरीबॉडी वाज लाइक ओके कौन है ये लड़की। उस जो वीडियो मैंने बनाया था ना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उसमें गालियां दूं, मगर जिस तरीके की हरकत खलील जी ने की थी, मैंने कहा उनको गालियां हमें भी देनी चाहिए, यू नो, उनको पता तो चले बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरे ख्याल इसका। में इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देर इज नो रॉकेट साइंस देयर। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। इट्स अ वेरी सिंपल स्लोगन। आपके हिसाब से नहीं है ना, वो उनके हिसाब से हाँ मेरा जिस्म है और उनकी मर्जी है, ताकि वो जहां चाहे हमारे हाथ लगा लें, जहां चाहे कुछ भी कर हाँ लें, दैट इज खलील रहमान कमर जैसे आई एम गोना यूज गैर पार्लियामानी लफ्ज, लेकिन ये बेसिकली खलील रहमान जैसे कमर जैसे भड़वे, ये फौजियों को ये भड़वे पसंद है। फौजियों को मसला सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक के फौज के इदारे की इजारादारी खत्म नहीं होगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। और ये जो हेट स्पीच करने वाले लोग हैं, जो इस वक्त आपको और मुझे गालियां निकालने वाले लोग हैं, इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, ये अपने अपने गरेबानों में नहीं झांकते। इनको चाहिए कि अपनी अपनी माओ से जाके पूछे कि माँ मैं कैसा बेटा हूं, अपनी बहनों से जाके पूछे कि मैं कैसा भाई हूं, अपनी बीवियों से जाके पूछे कि मैं कैसा शौहर हूं। ये गंदे दो नंबर गलीज शख्सियत के मालिक लोग बेचारे, हमारी ईमान और हमारे किरदार का ठेका उठाने वाले लोग, मैं इन पर 100 बारी लानत भेजता हूं। आप एक ये चीज नोट करो ना, देखो मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम अ पारसी फैमिली, मैं तो मुसलमान हुई नहीं, पूरे रमजान इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया। शर्म करो, शर्म भाई, रोजे में आप, रमजान आप पे ना यू है फर्ज है, और आप मुझको क्यों देख रहे हो बैठ कर छोटे छोटे कपड़ों में? मैं कैनेडा में बैठ के, मैं बिकीनी में बैठू, मैं नंगी बैठू, मैं जैसे भी बैठू, ये मेरी मर्जी है। आप खुद ला हम लोगों को ला ए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। मैं हिंदू हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। मैं यहूदी हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। मैं ईसाई हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। मैं पारसी हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। मैं इन जैसा गंदा झूठा और मुनाफिक मुसलमान कभी नहीं हूं। नहीं, वो तो ये तो मुनाफिकत तो ऑफ कोर्स यू नो दिखती है, और मैं हर किसी से यही कहती हूँ कि देखो हर इंसान को अभी, क्योंकि जब औरत मार्च हुई है तो काफी सारे गेज और लेस्बियंस निकल के आए बाहर, और उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा था, यहाँ तक कि उनके घरों के एड्रेसेस दिए हैं कि जाकर इनको मारो। आई मीन हाँ आप लोग उस पे ले रहे हो, यहाँ पर तो एक कुत्ते की भी जान की परवाह की जाती है, आप लोग वहां पर इंसानों को मार रहे हो। और कल मैंने क्या करा अली, कल मैं जोहरा के ऊपर बात कर रही थी, तो यूजुअली जो है लोग आके देखते हैं, यू नो मेरी 2000 तक लोग चले गए थे, यू नो, मगर मैं कह रही थी शेयर करो, इंपॉर्टेंट मैसेज है शेयर करो, नहीं कोई नहीं शेयर किया, तो फिर मैंने बंद की ब्रॉडकास्ट, मैं थोड़ी देर बाद अपने बाथरूम में आ गई, बाथ टब में बैठ गई, बाथ टब बैठी भी नहीं, सिर्फ बात ऑन कर दिया, टब दिखाया, 5000 लोग वहां पे बैठे थे, तो आप लोग आकर वहां पे, और गालियां कम पड़ रही थी, पहले में मुझे गालियां ज्यादा पड़ी जोरा वाले उस पे, जब बाथ टब में आके मैं थोड़ा सा क्लीवेज दिखाना शुरू हो गई, 5000 लोग आ गए, तो ज्यादातर कॉमेंट्स ये थे ये भी उतार दो, यूं कर दो, तुम्हारी बच्ची क्या सोचेगी, एंड में दिखाना तो मैंने कुछ नहीं था, आई जस्ट प्रूव माई पॉइंट कि देखो आप लोगों को देखना क्या है, आप लोग सोशल इश्यूज पे डिस्कशन नहीं करना चाहते, बोरिंग है, आप लोगों को देखना भी है और फिर हिलाना भी है, हिलाते भी है बैठ कर, देखते पूरे पूरे हैं और फिर आगे नीचे लिख देंगे रंडी गश्ती, यू नो, फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड कॉम है बेचारी। प्लीज अंडरस्टैंड मालीज, फ्रस्ट्रेटेड हाँ कॉम है। पोर्न है चैनल्स देखने में नंबर 1 है पोर्न चैनल्स देखने में। ये वो लोग हैं जो अपने चाचा ताया मामा से रेप हुए हुए हैं बचपन में,
ये वो लोग हैं जो जिन जो खुद बेचारे विक्टिम्स ऑफ अब्यूज हैं, और चूंकि ईगो बहुत बड़ी है, प्राइड बहुत बड़ी है, तो ना इनको एक्सेप्ट करना आता है, और जब कोई इंसान सच के लिए आवाज उठाता है तो वो थ्रेट बन जाता है ना, तो उसको गाली निकालना इनका फर्ज है बेचारों का। तो इन फ्रस्ट्रेटेड बास्टर्ड्स को हमें सीरियसली लेना नहीं चाहिए, हमें इनके हक में दुआ करनी चाहिए अल्लाह से, और कहना चाहिए ओम नमः शिवाय, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इनको सुकून दे, और अल्लाह इनके जो जहनों पर अकलों पर ताले पड़े हैं अल्लाह मियां इनको खोल दे। तो ये जो और कुछ तो ऐसे हैं जो बकायदा ISI के पेरोल पर हैं, वो कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं, जिनका काम मकसद सिर्फ ये है कि बैठकर सिर्फ सिर्फ ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप्स में शेयर होता है कि आ जाओ यहाँ पर सब आके मिलके ला देते हैं। तो अब ये एक 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 आदमी ने लिखा है, डोंट हाईलाइट नेगेटिव कमेंट अबाउट पाक, रिमेंबर यू दैट गिविंग योर रेपुटेशन बाय कॉलिंग योरसेल्फ मिस पाक। अच्छा आपको कह रहा है सलमान, ये सलमान जफर कोई है, इस सलमान को सिर्फ ये बोलिए, इस सलमान को सिर्फ ये बोलिए कि अपने फेसबुक पे जाके देखो कि तुमने इसराइल को, अमरीका को, इंडिया को, मुख्तलिफ मजाहिब को, हिंदुओं को, यहूदियों को कितनी गालियां निकाली। अरे ये अच्छा तुम करो तो ठीक है साला, हम करें तो करेक्टर ढीला है, वो बड़ा अच्छा गाना है ना, वो क्या गाना है, ये मेरा टॉप फैन कहलाएगा, क्योंकि ये रोजाना आता है सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए आपको। मैं हाँ। पढ़ती हूँ, आप मेरा पेज ब्लॉक करो आपको, और इनके हाँ। देखो आई एम सॉरी टू से, इसको फूंक मारो तो ये उड़ के वहां तक गिरेगा, कुछ खा लो बेटे तुम रोजाना आके बस एक ही बात, पाकिस्तान के बारे में बात क्यों करती हो, मैं क्या इंडिया से पैदा हुई हूँ हाँ। नहीं इनको ठेका मिला हुआ, ये हर किसी के बारे में बात कर सकते हैं हाँ। ये हर किसी को जलील कर सकते हैं, ये हर किसी को गालियां बक सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ सच बोल दें तो ये इनके लिए पर्सनल हो जाता है बेचारों के लिए। इन जैसे कुत्तों को इलाज के लिए मेरे ख्याल में इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त जो लीडरशिप पाकिस्तान में कायम है, जो ट्रॉयका है, ट्रॉयका को भी छोड़िए, वो जो एक लानत बाजवा एक्सटेंशन ज्यादा कुत्ता, और दूसरा इमरान नियाजी, ये पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी लानते बरसी हुई है इस वक्त। झूठे लोग, झूठे, ये क्या कहते हैं, फूंक नहीं मारनी प्लीज, हा हा हा, अच्छा ये जो भी है, एनीवे आई शुडंट बॉदर विद दीज कमेंट्स, बट ऑल आई वांट टू से मालीज दैट दीज पीपल डोंट रियलाइज कि दुनिया बहुत बड़ी है, और मशरक और मगरब का खुदा एक है, अल्लाह तो एक है ना, अमरीका में भी अल्लाह की राज है, कनाडा में भी अल्लाह का राज है हाँ। बर्तानिया में भी अल्लाह का राज है, फ्रांस में भी अल्लाह का राज है, पाकिस्तान में भी अल्लाह का राज है, चाइना का मुझे पता नहीं है, चाइना की बहुत तारीफ करते हैं पाकिस्तानी, इनको ये पता नहीं है कि चीनियों ने इनके साथ जो करनी है ना, इनको इनको इनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है इन पाकिस्तानियों से कि सी पैक का मुआहदा आज तक पब्लिक क्यों नहीं किया गया। मेरा सवाल यह है कि सी पैक के तहत जो $52 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना पाकिस्तान में, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? मेरा सवाल यह है कि सी पैक से पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंचेगा, ये बातें डिबेट क्यों नहीं हुई किसी पब्लिक फोरम के अंदर? राहील शरीफ पर्सनल सिग्नेटरी है, फौज पर्सनल सिग्नेटरी है, मेरा सवाल यह है कि फौजी जर्नैलों की जायदादों का आज तक एहतसाब क्यों नहीं हुआ? वो क्या नाम है जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जजीरे खरीद लेते हैं कभी न्यूजीलैंड के अंदर, उनके बच्चे बाहर मुल्कों में पढ़ते हैं, उनसे क्यों नहीं सवाल? गालियां निकालने के लिए आपको नवाज शरीफ और जरदारी मिलते हैं, आप जर्नैलों का भी तो एहतसाब कीजिए ना। आई थिंक करप्शन जो है ना, और ऑफकोर्स यहाँ पाकिस्तान में हमारे सामने तो प्रेसिडेंट दिख रहा होता है, एक बंदा दिख रहा होता है, मगर पीछे जो काम होती है, इट्स आई बिलीव के बहुत सारे मुल्कों में इसी तरह, मगर पाकिस्तान में जो करप्शन है और जो कंट्रोल है वो ऑफकोर्स इट इज द आर्मी कंट्रोलिंग बिहाइंड द सीन्स। अब ये कि हमारी अवाम जो है ना, अवाम जो है चंद लोग ऐसे हैं बिल्कुल, एक तो इलिटरेट बहुत है हमारे, उसमें पढ़े लिखे लोग बेचारे नकले कर करके पास होने वाले, नकले कर करके पड़ोसी का देख देख के पर्चा पास करने वाले हमें दर्द देते हैं, ये घटिया लोग, इन घटिया लोगों को मैं ललकारता हूं अपने गड़े बालों में झांको, और मैं अल्लाह मियां से दुआ करता हूं
कि अल्लाह पाक तुम जैसे लोगों को नीस तो नाबूद करे इंशाल्लाह। मैं तो कहती लेकिन कोरोना के लिए बाहर निकल रहे हैं ना शॉपिंग में, मैं कहती हूँ जाने दो इनको, मरने दो, खुद ही कोरोना ले मरे कुत्ते के बच्चे, कुत्ते के बच्चे। एनीवे माय बैटरी इज डाइंग मालिक, आई एम गेटिंग अ लिटिल वर्क्ड अप, आई लव यू सो मच, इट्स बीन सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू राइट नाउ एंड आई होप टू सी यू अगेन सून, लेट्स डू दिस वन मोर टाइम, लेट मी गेट सेटल्ड इन। सवाल मेरा जो आपसे है कि और आपने बताया कि आपका फ्यूचर ये है कि यू आर गोना गो इनटू मैं उनका फ्यूचर प्लान मानना चाह रही, पूछना चाह रही थी, बट ही डिड से कि ही वाज वर्किंग ऑन सम प्रोडक्शन एंड स्टफ। देखो जब इन चीजों में बात होती है ना तो इंसान, आप लोग मुझे भी कहते हो कि आई गेट वेरी वर्क्ड अप, मैं भी काफी दफा जो है ना इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ आप रहे हो, आपका सारा जो है बचपन वहां गुजरा है, आपके फ्रेंड्स वहां है, पूरी लाइफ वहां आप आपने गुजारी है, फिर आपको वो जगह छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है जस्ट बिकॉज आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हो, जस्ट बिकॉज आप सच बोलना चाहते हो, तो गुस्सा तो आएगा ना, सबको सबको ही गुस्सा आता है, एंड दैट्स व्हाई आई कैन टोटली अंडरस्टैंड हिज फ्रस्ट्रेशन एंड यू नो एवरीथिंग दैट ही वाज सेइंग इज यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अब मुझे इतना गवर्नमेंट और इन लोगों के ऊपर मैं नहीं जाती हूँ कि मुझे इतना पता नहीं है, राइट, आई डोंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि मुझे इतनी उस पर एजुकेशन या इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मुझे होती तो यू नो आई वुड टॉक अबाउट इट, मगर मुझे इतना पता नहीं है तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। ही हैज मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स वेरी इमोशनल फॉर हिम टू टॉक अबाउट दिस। और कौन है एनी हाउ, अब मुझको भी एक्चुअली जाना है, आई हैव समवेयर टू गो, इट वाज अमेजिंग, आई थिंक इट वाज सो अमेजिंग टू टॉक टू हिम। अली हैज अ लॉट ऑफ फीलिंग्स इनसाइड हिम, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जो आई हैं और वो हमको दिखता है, और भाई आप लोगों की गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ना है, यू नो द थिंग इज कि आप इसी चीज को प्रोडक्टिव उसमें यूज कर सकते हो, मगर आप लोग नहीं यूज करना चाहते हो और वो दिख जाता है, तो अब हम क्या करें, यू नो हम आप लोगों की वजह से सच बोलना तो यू नो वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। I'm going to end today's show here. Please make sure ki aap log mere YouTube ko subscribe karein, kyunki I am going to come more and more live from YouTube. Ab main yahan se zyada live aana shuru karungi. Just because yahan par jo hai mujhe ek to following apni badhani hai, main saaf bolti hu. Of course, I think it's better to be here. Yahan par hum log zyada logon ko reach kar sakte hain. Agle hafte ke liye maine do aur guests hain jinko main lekar aana chahungi. Ek aur Pakistani hai, और ये मैं सारे पाकिस्तानियों को ही लाकर आपके सामने बिठा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जो पाकिस्तानी हमारे साथ यानी हमारे दिमाग से मिलते जुलते हैं उनको। और मुझे एक और रिक्वेस्ट है कि मुझको एक नाम चाहिए, मुझे एक नाम बताओ आप जो मैं इस शो के लिए करूँ जिसमें गेस्ट आते हैं। अब मुझे ये नहीं चाहिए कॉफी विद महलीज, ये विद महलीज नहीं, मुझे कोई अच्छा सा एक नाम अगर आप लोगों के दिमाग में हो तो प्लीज उसमें कमेंट्स में आप लिख दो या मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, वरना कहीं भी आप मैसेज करोगे तो आई रियली डोंट रीड इट। ये देखिए जरा, ओह माय गॉड। सो एनीवेज गाइस, थैंक यू सो मच, आई रियली 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 अप्रिशिएटेड जिन जिन लोगों ने यहाँ पे देखा, एंड लव यू ऑल, ओके, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून, बाय।